चेरू क्लासिक पे भी बोलूंगा। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ शौक की गेम है, जिस पर शौक है बस, प्रोफेशन बनाना है 1000 नहीं 10000 में एक सक्सेस होता है। वेट बढ़ रहा है, बॉडी बिल्डिंग मत करो, अगर शौक है पैसा है तो करो। हाँ भाई ठीक है, जिम के लिए तैयार। आज काम था यार, कल भी है, इसलिए कोई वीडियो नहीं बनी। पहले काम की कोई सेटिंग नहीं ना कैमरा रखने की, रास्ते में मिलता हूँ बताता हूँ। कल काम की वजह जिम नहीं गया, बताता हूँ रास्ते में। हाँ भाई हैप्पी भाई ने मिलो, ठीक है ठीक है जी। तो सामने रही गिल रोड, यार कैमरा देखने लगा है। गिल रोड क्रॉस्ड, कल काम का मशीनें देनी है 12। तो पहले एक बार दिखाया था ना वो क्या बोल रहे टाइम स्लैब में, वो वही उसी कंपनी की। उसका अगला दूसरा ऑर्डर आया है उसके रिगार्डिंग, जरूरी था काम, मैं अकेला हूँ तो पार्ट टाइम वाला, उसने मशीनें बना दी। ऊपर वाला काम मैंने करना, मोटर वगैरह लगाना कल दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा जितना हो सके दिखाऊंगा। कल मेरी सेटिंग जब मैं क्लैरिटी क्यों नहीं पिक्चर की, 720 पर सेट था, अब 1000 पे किया है, 1080 या 40 कितना होता है। मैं अपना व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग को लेकर, जो थोड़ा चल रहा है ना, एथलीट भी कुछ बोल रहे हैं भी बॉडी बिल्डिंग मत करो, अगर शौक है पैसा है तो करो। ये मेरी सोच बहुत पहले से है, कसम से कई साल पहले से, 8-10 साल से, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ शौक की गेम है, जिस पर शौक है बस, प्रोफेशन बनाना है 1000 नहीं 10000 में एक सक्सेस होता है। एंड यस शेरू क्लासिक पे भी बोलूँगा, जेन्युइन पॉइंट दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है अभी शेरू वाले वो ध्याना सिंह हैं, इसका मतलब ये नहीं उनकी साइड दूंगा, जो सही है वो बोलूँगा। की रही मेरे चैनल की बात, मेरी कन्फ्यूजन बहुत ही बढ़ती जा रही है। और चैनल पर एक बार मैंने शॉर्ट डाल दी, वैसे मूड आया डाल दी भाई, उस पर व्यू आ गए। फिर मैंने थोड़ा शॉर्ट डाली, वहाँ 70% शॉर्ट्स पर व्यू हैं ना अच्छे, और यहाँ 10% है न्यू चैनल पर। इस पर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या पता ओल्ड चैनल का कारण यूट्यूब बाद में प्रमोट ही ना करे चैनल मेरा, कुछ नहीं पता क्या करूँ, किससे एडवाइस लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बिगिनर भी हो ना, बिगिनर बॉडी बिल्डिंग में शुरुआत है, और एथलीट बनना चाहते हो, खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घर में खाते हो उसकी बात नहीं, जो बाहर जो खाना एक्स्ट्रा खाना पड़ता है, इवन डाइट वगैरह और प्रोटीन का खर्चा, स्टेरॉइड में बीच में गिन नहीं रहा, तभी आपका 15-20 हज़ार वहीं लग जाएगा। ये कम ही बोल रहा हूँ मैं, 15-20 हज़ार शुरुआत में। जिम आ गया अंदर में था,
गए जी जिम से बाहर। हवा बहुत ठंडी जा रही है, बढ़िया चल रही है, मज़ा, रोमांटिक मौसम। हाँ अच्छी ट्राइसर लगाए हैं, कह लें अच्छी लगी। मुझे बात कोई दिमाग में तभी आती है जब भूत वाली ये गली आ जाती है और अंधेरा हो जाता है। मैं आगे बात करूँगा, बात ना भूल जाओ। हाँ बात दिमाग में ये आई थी, बॉडी बिल्डिंग करना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, जिम तो हर एक को ज्वाइन करना चाहिए। पर जब हम कंपटीशन के नाम पर घर वालों से पैसा लेने लग जाते हैं ना, ज़ोर ज़बरदस्ती से मजबूर करके, वो बात गलत हो जाती है। खुद कमाओ लगा लो। हाँ इतना है, 10,000 नहीं तो 5,000 में एक का करियर बनता है। अभी बिजनेस है, जब प्रोफेशन है भी, मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, मैं बॉडी बिल्डर था या हूँ, और मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। सक्सेस रहे तो जो है सक्सेस रेशो, सॉरी रेशो देसी इंग्लिश बोल दी मैंने, सक्सेस रेशो है ना, रेशो जो वो बहुत कम है इसमें। कोई बिजनेस करोगे इतना नुकसान नहीं होगा। ये है एक टाइम के बाद, तकरीबन 40 के बाद वाला, 45 के बाद वाला ज़्यादा से ज़्यादा, हर कोई डेक्सटर जैक्सन तो होता नहीं है, डेक्सटर जैक्सन वो तो नहीं होता जो 50 तक कम्प्लीट करेगा। उसके बाद सिर्फ आप एक जगह रहता है, आपका जिम होगा और आप कोचिंग देते होंगे पास। हाँ उसमें भी अच्छी कमाई है, जिम आपका चल पड़े, बाई चांस हाँ चले फिर भी पंगा है। हाँ जिम चल गए, हाँ बिजनेस है, वो तो बिजनेस लागू हुआ ना। अभी बॉडी बिल्डिंग करके कंपटीशन खेल कर आप जीते, आपने कोचिंग दी, वो वाला कंपटीशन जीतोगे फिर आपका नाम होगा, फिर आपके पास लोग अटैच होंगे, आप कर फेथ दिखाएंगे, आपसे कोचिंग लेंगे। भी ये खुद इतना तगड़ा बॉडी बिल्डर है, एथलीट है, तब थोड़ी पंगा पड़ जाता है। ये बातें करूँगा मैं डिटेल में करूँगा। ये अपना जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम सारे इंद्र जी, सारे इंद्र जी। हल्की हल्की बारिश होने लग गई, मीह पहन ला गया थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हवा जी हवा, कोई कोई का नहीं। हिल रोड आ गई है, बंदी नहीं हो रहा यार, बंदी दिल रोड खाली थी, हाँ सब बिल्कुल आराम से पैदल चल कर आया हूँ सीधा ही बिना रुके। एक बात बोलूँ, वैसे मेरा मन थोड़ा निराश सा हो चुका है, रिव्यूज नहीं आता, कोई फीडबैक नहीं जाता है, सब रिव्यूज नहीं आता, शायद मुझ में ही कोई कमी है, मेरे वीडियो में कोई कमी नहीं, शायद करूँगा कुछ तो करूँगा। एक कारण ये भी था कल जिम नहीं गया, मूड ऑफ था, काम भी था मूड भी ऑफ था। आगे जी अपनी गली में, दो नंबर गली, ये खुला गेट, कोई यहाँ तक देख रहा है थैंक यू, कमेंट जरूर करना यार, लोग जुड़ रहे हैं, कमेंट क्यों नहीं आता यार, समझ में नहीं आता यार, सब्सक्राइब कर रहे हैं कमेंट क्यों नहीं करता पता नहीं यार। मैं तो हर एक नए यूट्यूबर के वीडियो पे करता हूँ, फीडबैक देता हूँ भाई, कोई बात नहीं, जो भगवान का मंजूर होगा वही होगा। ओके थैंक यू।